उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा है कि वैक्सीन सब जगह पहुंच रही है, नए रिकॉर्ड बनाने की कवायद है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में हालत यह है कि वैक्सीन इस वक्त यहां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बहुत ही कम मात्रा में वैक्सीन आती है और लोगों को वापस चले जाना पड़ता है। हम मौजूद है चित्रकूट के सीतापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रफ्तार है टीकाकरण की वो काफी धीमी है। कई ऐसे लोग हैं जो 3 से 4 दिन यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं, महिलाएं पुरुष सभी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी समस्या यही है कि इनको वैक्सीन यहां पे नहीं मिल पा रही, जिसके लिए इनको बार बार यहां पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। साफ तौर पर एक तरफ सरकार कह रही है कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई इलाकों में खास तौर पर सुदूर क्षेत्र चित्रकूट में जहां मौजूद है वहां यही है कि वैक्सीन की उपलब्धता पूरी नहीं है। क्या कुछ दिक्कतें आ रही, कितनी बार आप आ चुके हैं? अरे सर, हम 2 दिन 3 दिन से चक्कर लगाए, शनिवार को आए तो फिर सोमवार को आए खत्म हो गए वैक्सीन, फिर आज आए लाइन से लगे हैं और चोटी से पसीना बहता है सर, इधर धूप में आना पड़ता है पैदल साइकिल। क्या बताते, वैक्सीन खत्म हो जाती? जी सर, ये कहते हैं कि वैक्सीन का ना आप जाइए कल आइए, और जब कल आते हैं तो फिर जब वहां तक पहुंच जाते तो कहते हैं कल जाओ कल आओ, और वही चीज आज पूरा तीसरा दिन है। आप बताइए भाई साहब, कितनी बार कितनी देर से लाइन में लगे हैं, क्या बताते हैं? सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, कल आए थे कल भी यही हाल हुए हैं, फिर दोपहर को चले गए हैं 2 बजे से। क्या आपके इलाकों में और कहीं पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, कहीं पे आपको? नहीं अभी नहीं हो रहा। घर परिवार में अभी किसी और का हो पाया है, किसी का नहीं हो पाया? खाली मम्मी बस का लग गया है बस। अच्छा। 10 दिन हो गए लगे, उनका पहले लगवा के ले गए थे। बिल्कुल यही हालत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, महिलाएं वृद्ध महिलाएं भी यहाँ पर है जो आई हुई है, लेकिन उनको इस गर्मी के बीच में यहाँ पर जूझना पड़ रहा है वैक्सीन के डोज के लिए, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप बताइए कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं? काफी देर से, 8 बजे से खड़े हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे थे कल 3 दिन से हम चले जा रहे हैं, लौट कहती हैं वैक्सीन खत्म हो गई, और खत्म जहाँ वो पर्चा गए तो बंद कर लेती हैं। अम्मा कितनी देर से खड़ी हैं आप यहाँ पर? कितनी देर से खड़ी? हम तो 2 घंटा हो गए, 3 घंटा में खड़े। टीका नहीं लग पाया अभी तक? अभी तक नहीं लगा, दूसरा है लगवा रहे हैं हम। हाँ अच्छा, आप बताइए आप भी दूसरे के लिए आई हैं? हाँ, दूसरे दिन आज भी हमारा भी है। हाँ। पर एक पहले लग चुका है, दूसरा लगना है। क्या बता रहे, खत्म हो गई? दरवाजा बंद है? नहीं बता रहे, नहीं बंद कर लेती हैं, ये नहीं बोल रही कि खत्म हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे बंद है खिड़की, यहाँ लोग सुबह से कतारों में लगे हैं। जो अमूमन समय होता है वो 10 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग चरण में ये वैक्सीनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि वैक्सीन को लेके टीकाकरण के अभियान को यूपी में जून में 1 करोड़ के पार ले जाया गया, जुलाई में 3 करोड़ तक पहुंचाने की बात थी, लेकिन चित्रकूट के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत ये साफ बयां करती है कि वैक्सीन की कमी की मार झेल रहे लोगों को ना सिर्फ यहाँ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि वैक्सीन से अपने आप को सुरक्षित करने का जो दावा सरकार कर रही है वो भी जमीन पे अब फेल नजर आता है।